बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचर टीवी के तमाम दोस्तों को राजा अतीक की तरफ से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं या जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों वीडियो को भी शुरू से लेकर आखिर तक हर सूरत देखिएगा। दोस्तों आज अल्लाह करीम का दिया हुआ एक फल आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, उसकी दो बड़ी पहचान आप दोस्तों से तारुफ करवाता चलूँ। सबसे पहली पहचान दोस्तों उसकी कि हमारी ख्वातीन गोश्त गलाने के लिए सदियों से उसका इस्तेमाल कर रही हैं। और दूसरा दोस्तों दुनिया में डेंगू के बुखार में इंसान के जिस्म में वाइट सेल्स बनाने वाली अल्लाह की बहुत बड़ी फैक्ट्री। जी दोस्तों यकीनन आप पहचान गए होंगे पपीता। इंग्लिश में दोस्तों उसको पपाया कहा जाता है, उसका असल वतन अमेरिका है। और पपीता दोस्तों हमारी इस ज़मीन पर 700 साल से 800 साल के दरमियान में मुतारिफ हुआ। इंसानी बॉडी के अंदर दोस्तों वाइट सेल्स बनाने में उस फल से ज़्यादा किसी फल में इतनी ताकत नहीं है। पपीते का दोस्तों शुमार फलों में भी और सब्जी में भी किया जाता है। पेट के कीड़ों को ख़त्म करता है, चेहरे को इंतहाई दिलकश बनाता है, जिस्म के अंदर बढ़ी हुई तिल्ली और जिगर को वापस अपनी पोजिशन पर लाता है। पपीता दोस्तों दोनों सूरतों में, कच्ची हालत में भी और पकी हुई हालत में भी, दोनों में इस्तेमाल होता है। वैसे तो दोस्तों पपीते का शुमार हर किस्म के बॉडी के अंदर कैंसर की रोकथाम के लिए होता है, लेकिन ख़ास तौर पे मर्दों और औरतों में छाती के कैंसर को रोकने में इसकी इंतहा दर्जे की ताकत है। दोस्तों चेहरे की जिल्द को चमकदार और खूबसूरत बनाने के लिए इसको खरबूजे की तरह काशों के अंदर काट के अगर खाया जाए तो रंगत को निखारता है और चेहरे को इंतहाई दिलकश बनाता है। इसके अलावा दोस्तों मर्दाना और जनाना हार्मोन्स पैदा करने की बे इंतहा ताकत इसमें मौजूद है। दोनों मर्दों ख़वातीन को इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर फर्टिलिटी की रेशो बहुत ज़्यादा है। पपीते का इस्तेमाल दोस्तों हमारी कुव्वत मुदाफ़त में भी बहुत ज़्यादा इजाफा करता है, शुगर दिल और आंतों के मसाइल को बेहतरीन तरीके से हल करता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों पेट के तमाम मसाइल से इंसान को निजात दिलाता है। पपीता दोस्तों बज़ाहिर कम फ़वाद वाली चीज़ नज़र आता है और बहुत से लोगों की आंखों से ओझल है, लेकिन अल्लाह करीम ने इसके अंदर हमारे लिए बेपनाह फ़ायदे रखे हुए हैं। इसे भी इस्तेमाल करें और अल्लाह के दिए हुए इस अतिये से अपने जिस्मानी फ़वाद हासिल करें। फिर बहुत जल्द आपसे होती है मुलाकात। फ़ी अमानिल्लाह।